तो आज डे 10 है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मोटापा के बारे में। जब शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और वसा एकत्र होने लगता है तो मोटापा हम लोग बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें एकत्र वसा को मोटापा कहते हैं, या फिर आने के बाद, या वसा या फिर मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती आ जाती है, थकान होने लगती है। इसी कारण शुगर भी हो जाता है, हृदय रोग भी होता है, अपच और कब्ज आदि बीमारियां होने लगती है। सिर्फ एक बीमारी कारण दोस्तों, मोटापा आने के कारण इतने सारे बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए एक सौ उपचार जानते हैं हम लोग ऋषि बागवत द्वारा लिखे गए पुस्तक संकलन के श्री राधित जीठ जी ने। उपचार की ओर बढ़ते हैं। उपचार नंबर वन दोस्तों, सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर और सेंधा नमक मिलाकर आप पिए, जिससे मोटापा धीरे धीरे कम होगा। दूसरा उपचार दोस्तों, 10 ग्राम सौंठ को शहद में मिलाकर चाटे, जिससे मोटापा भी कम हो जाता है। तीसरा उपचार दोस्तों, मूली को मूली में या फिर सलाद में नींबू निचोड़कर नमक मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें। चौथा उपचार है दोस्तों, खाने के बाद एक चुटकी काले नमक तिल चबाकर, मतलब एक चुटकी तिल, ठीक है। उपचार नंबर चार में खाने के बाद एक चुटकी काले तिल को चबाकर आप खाएं, जिससे मोटापा कम जाएगा। और भी मोटापा कम करने के लिए घरेलू एक्सरसाइज है दोस्तों, जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में, चैनल पे जाए आप देखें। अगर आप लोग पहली बार हमसे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहे, सीखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।